हेलो दोस्तों, बात करते हैं उत्तराखंड की शिक्षा की आज के न्यू अपडेट के बारे में, साथ ही जॉब के और अपडेट देने को मिल जाएंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं इंटर की पढ़ाई अतिरिक्त शिक्षकों के भरोसे। तो यहां पर 5 के सापेक्ष एक प्रवक्ता, प्रधानाचार्य का पद 9 साल से खाली। तो यहां पर जो राजकीय इंटर कॉलेज नास्ती पिछले नौ सालों से यहाँ पर जो है प्रभारी प्रधानाचार्य के भरोसे चल रहा है। विद्यालय में केवल यहाँ पर कला विषय स्वीकृत है और स्थायी शिक्षकों की व्यवस्था नहीं, कोई भी स्थायी शिक्षक नहीं है। 5 शिक्षक हैं, वो भी केवल जो है यहाँ पर अतिरिक्त शिक्षक तैनात हैं और एक प्रवक्ता तैनात है बताया गया है। और अतिरिक्त शिक्षकों के भरोसे यहाँ पर स्कूल चल रखा है, बागेश्वर की बात है। और इसमें जो है यहाँ पर विज्ञान विषयों की जो है स्वीकृति की मांग के प्रस्ताव विभाग को भेज दिया गया है। और इसमें यहाँ पर जो है प्रवक्ता के अधिकतर जो पद हैं वो रिक्त हैं और अतिरिक्त शिक्षक सहायक अध्यापक जो है व्यवस्था के तौर पर जो है यहाँ पर विद्यार्थियों को पढ़ा रहे हैं। तो ये एक काम चला हुआ है और विज्ञान विषय के खुलने का इंतजार किया जा रहा है। और यहाँ पर जो है लगातार शिक्षकों की कमी चली हुई है। भर्ती काफी लंबे समय के बाद दिसंबर 2023 में भर्ती हुआ था परीक्षा में। इसमें टोटल पदों की संख्या यहाँ पर रखी गई थी 230 के करीबन और इसमें 208 पदों का रिजल्ट फाइनल परिणाम जारी हो चुका है। और जो साइट है वहां से आप चेकआउट कर सकते हैं। इसमें जो साइड नाप कोर्स था वो सब कुछ होने के बाद, कंप्यूटर टाइपिंग होने के बाद सब फाइनल रिजल्ट जारी हो चुका है। यूजीबी नील के उपनल कर्मचारियों का भत्ता बढ़ाए। तो यहाँ पर उत्तराखंड के जल विद्युत निगम लिमिटेड के उपनल कर्मचारियों को जो है दिवाली पर जो है विशेष ऊर्जा भत्ता और रात्रि पाली भत्ते में बढ़ोतरी की सौगात मिली। सचिवालय में एनपीएस यूपीएस के विरोध में 4 को सचिवालय घेराव करने वाले हैं। लगातार पुरानी पेंशन बहाली की मांग की जा रही है इनके द्वारा। और वही बात यहाँ पर एनएचएम कर्मी को यहाँ पर जारी हो और इसमें स्वास्थ्य विभाग में बताया गया कि निर्देश दिए गए हैं। और स्वास्थ्य मिशन के तहत संविदा के 200 कर्मचारियों को 2 माह का वेतन जारी कर दिया गया है। इसमें बात करते हैं प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा भर्ती को लेकर। तो प्राथमिक शिक्षा भर्ती में सहायक अध्यापक पद पर 533 रिक्त पदों की भर्ती के रिगार्डिंग 510 अभ्यर्थी पहुंचे थे और इसमें अब काउंसलिंग के बाद अब आपकी नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हो जाएंगी। 510 लोगों का जो है कल यहाँ पर डीबी हुआ है, उनकी काउंसलिंग हो रखी है। बात करते हैं अतिथि शिक्षकों को लेकर। तो मांग पूरी नहीं हुई तो केदारनाथ बिस क्षेत्र में धरना देंगे अतिथि शिक्षक। तो यहाँ पर माध्यमिक अतिथि शिक्षकों की समस्या का निराकरण न होने और शासन स्तर पर जो है अतिथि शिक्षकों का मामला लंबित होने के विरोध में अतिथि शिक्षकों ने केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र में बताया गया धरना प्रदर्शन में पर बैठेंगे। शिक्षकों ने मांग पूरी करने की बात की जिसमें इनका वेतन पद वृद्धि है, साथ में इनका जो स्थायीकरण को लेकर है। और वही बात करें उत्तराखंड के जो यहाँ पर यूटेट का पेपर हुआ था प्रथम और सेकंड, इसका जो ऑफिशियल आंसर की है वो आ चुकी है। आप जो है यहाँ पर ऑफिशियल आंसर की में अपर्तन करना चाहते हैं तो 13 नवंबर तक का शाम के 5 बजे तक का समय दे रखा है, ईमेल के माध्यम से कर सकते हैं। ईमेल आईडी आप यहाँ पर देखते हैं, ईमेल आईडी 13 नवंबर इसकी लास्ट डेट है, तो आप अपर्तन कर सकते हैं। इसकी ABCD सेट की जो उत्तर कुंजी है वो जारी हो चुके हैं यूटेट की। तो समूह के स्नातक स्तरीय 208 पदों की भर्ती का परीक्षा परिणाम हो चुका जारी। इसमें टोटल 231 पदों की भर्ती थी और इसमें जो है वही 11 महीने के बाद जो है इनका फाइनल रिजल्ट हो चुका है। बात करते हैं विश्वविद्यालय परीक्षा परिणाम को लेकर। जो है इसके खिलाफ छात्रों ने मोर्चा खोला है, लगातार इनका आक्रोश बढ़ता जा रहा है और इनका कहना है कि विश्वविद्यालय का रिजल्ट घोषित करने की मांग की। और वही बात करें यहाँ पर छात्रों का जो है शिक्षा मंत्री के खिलाफ जो है जुलूस। तो यहाँ पर संयुक्त छात्र संघर्ष समिति ने प्रदेश में छात्र संघ चुनाव बहाल करने को लेकर सोमवार को यहाँ पर DAV कॉलेज के सर्वे चौक पर जो यहाँ पर जुलूस निकाला और इस दौरान जो उन्होंने सभी 4 कॉलेज बंद रखने और प्रदर्शन किए और यहाँ पर DAV छात्र संघ चुनाव को लेकर इनकी मांग चली हुई। और वही बात करें यहाँ पर जून का वेतन अक्टूबर में भी नहीं मिला तो सल्ट ब्लॉक के स्कूलों में कार्यरत 30 अतिथि शिक्षकों को यहाँ पर जो है वेतन जो जून का वेतन था वो अक्टूबर तक वह नहीं मिला है और इसके लिए इनकी मांग चली हुई है। इनका कहना है कि DO में इन्होंने अपना मामला जो है लंबित मांगों को लेकर जो है मांग पूरी करने को लेकर मांग पूरी करने की मांग की है। और वहीं बात करें यहाँ पर 23 सहायक अध्यापकों की नियुक्ति का रास्ता साफ। तो यहाँ पर जो है उत्तर प्रदेश के प्रमाण पत्र के फेर में फंसा था मामला, अब शासनादेश का इंतजार। तो यहाँ पर देखते हैं सहायक अध्यापक पद पर भर्ती के लिए उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड दोनों प्रदेशों की जाति प्रमाण पत्र बनाकर शासन ने जो है गाइडलाइन जारी कर दी है। तो अब इस रास्ता साफ हो चुका है। 23 अभ्यर्थी जो रुद्रपुर जो यहाँ पर तहसील है जनपद उधमसिंह नगर, यहाँ पर जो है लगभग 23 ऐसे अभ्यर्थी थे जिनका यहाँ पर जो है बाहरी अभ्यर्थी हो रहे थे। तो ऐसे में जो है यहाँ पर अब उनको यहाँ पर नियुक्ति किस तरह देने है नहीं देनी है उसको लेकर स्पष्ट हो चुका आदेश। तो अब यहाँ पर इनका रास्ता साफ कर दिया गया है। और वही बात करें यहाँ पर सहायक अध्यापकों ने दिया त्याग पत्र।
तो यहाँ पर किसी की नौकरी लग नहीं पा रही, किसी की नौकरी लगने के बाद वो छोड़ दे रहा है। तो यहाँ पर देखते हैं छोड़ा क्यों इन्होंने। यहाँ पर बताया गया कि राजकीय प्राथमिक विद्यालय में जो है नियुक्त 3 सहायक अध्यापकों ने जो है विभाग को त्याग पत्र सौंप दिया है, और इस्तीफे के पीछे जो है उन्होंने हरिद्वार में सहायक अध्यापक पद पर जो है हुई नियुक्ति का आधार बताया। तो यहाँ पर जो सहायक अध्यापक पद है वो 29 नगर में इन्होंने ज्वाइन ले रखा था, अब उनका नियुक्ति हरिद्वार में हो चुका है, तो ऐसे में जो है उन्होंने छोड़ दी है और हरिद्वार जाना चाहते हैं। तो अब जो है यहाँ पर विभाग इनसे 1 माह का वेतन जो है कोष में जमा करने की तैयारी कर रहा है। और इसमें सहायक अध्यापक पद पर जो है सितंबर में काउंसलिंग हुई थी, और इसमें जो है यहाँ पर प्राथमिक शिक्षक में सावेपुर सहायक में था, एक रुद्रपुर में था, एक डांगीपुर में था, अब इन्होंने जो है त्याग पत्र दे दिया गया है। और वहीं यहाँ पर उत्तराखंड के चिकित्सा चयन बोर्ड के द्वारा भी नर्सिंग जो कॉलेज में ट्यूटर की पोस्ट निकाली गई थी नर्सिंग के, उसकी उत्तर कुंजी हो चुकी है जारी। आप जो है यहाँ पर देख सकते हैं 4-3 नंबर तक जो है आप प्रत्यर्पण कर सकते हैं ईमेल के माध्यम से। और उत्तराखंड में जो है महिला नीति हुई तैयार, जल्द होगा लागू कुसुम। तो यहाँ पर राज्य महिला आयोग जो है महिला नीति तैयार कर ली है, इसको जो है पहाड़ों में आधे आबादी को जो है रोजगार से जोड़ने और उनके राजनीतिक और सामाजिक और आर्थिक रूप से मजबूत बनाने और उनके स्वास्थ्य और शिक्षा के साथ उनके पहलुओं को जो है यहाँ पर समायोजित किया जाएगा बताया गया है। अक्टूबर में भी निकल गया काउंसलिंग का शेड्यूल, नहीं हो सका जारी। तो भारतीय चिकित्सा परिषद उत्तराखंड से मान्यता प्राप्त है आयुर्वेदिक पैरामेडिकल कॉलेज में विभिन्न कोर्सों में दाखिले के लिए काउंसलिंग का शेड्यूल जारी नहीं हो पाया है, और अक्टूबर माह में जो है प्रवेश की प्रक्रिया पूरी हो जाती है, लेकिन इस बार जो है काउंसलिंग भी शुरू नहीं हो पाई। उत्तराखंड में 75 महिला अभ्यर्थियों के जाति प्रमाण पत्र की जांच के आदेश। तो यहाँ पर जो है अन्य प्रदेशों के अभ्यर्थी आरक्षण के पात्र नहीं, तो डीएम ने 15 दिन में जो है इनके प्रमाण पत्र की जाँच करने के आदेश जारी करे हैं। आरक्षित अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र की जाँच होगी, तो जो आरक्षित अभ्यर्थी हैं उन सब की जहाँ 15 दिन में रिपोर्ट जारी होगी और उनके जो डॉक्यूमेंट उनको चेक करा जाएगा। और दूसरे राज्य के अभ्यर्थियों की जांच होगी, तो दूसरे राज्य के अभ्यर्थियों की जांच होनी है, और इसमें देहरादून में 52 मामले सामने आ रखे हैं, और दूसरे राज्य के युवतियों को जो है प्रमाण पत्र संबंधी, ऐसे में जो है उत्तराखंड में ब्याई युवतियों को जो है नहीं मिलेगा बेसिक भर्ती में आरक्षण बताया गया है। और वहीं यहाँ पर सिपाही भर्ती जो आपके जेडी कांस्टेबल थी 2025 की भर्ती, सिपाही भर्ती में जो है कतार में 52.69 लाख बेरोजगार, तो इतने लोग हैं। 20,581 पदों के लिए जो है एसएससी ने मांगे थे ऑनलाइन आवेदन, और 2024 में जो है यहाँ पर लगभग 37 लाख लोगों ने, और 2022 में 54 लाख लोगों ने आवेदन किया था, तो इस बार भी यहाँ पर जो 52 लाख लोगों ने जो है आवेदन किया हुआ है। बात करते हैं प्रधानमंत्री आज जो यहाँ पर 51,000 नियुक्ति पत्र वितरण करेंगे। तो यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से रोजगार मेले के तहत जो सरकारी मंत्रालय है और विभागों में जो है नवनियुक्त युवाओं को 51,000 से अधिक जो है नियुक्ति पत्र वितरण करेंगे। पीएमओ ने कहा कि देश भर में 40 स्थानों पर जो है रोजगार मेले का आयोजन यहाँ पर किया जाएगा, और चयनित जो नवनियुक्त होंगे युवा विभिन्न सरकारी मंत्रालय और यहाँ विभागों में नियुक्त किए जाएंगे, और इसके लिए जो है आज इनकी जो है यहाँ पर लगभग 51,000 लोगों की नियुक्ति होनी है। बात करते हैं यहाँ पर यूके पीएससी में प्रवक्ता पद की भर्ती के रिगार्डिंग। तो प्रवक्ता पद की अर्हता के लिए जो है यहाँ पर राज्य लोक सेवा आयोग को लिखा पत्र, और इसमें समाजशास्त्र विषय में प्रवक्ता पद के लिए जो है आवश्यक अर्हता के और समाजशास्त्र और स्नातकोत्तर उपाधि रखने का जो है भाजपा के जो राज्य सचिव इंदिरा मुखरी ने राज्य लोक सेवा आयोग को पत्र लिखा है, और उन्होंने कहा कि समाज कार्य में स्नातकोत्तर उपाधि को भी इस पद पर जो है के लिए अर्ह माना जाए इनका कहना है, तो इसमें जो है संशोधन करने की मांग की है, इसका अर्हता जो है चीनी करने की मांग इनकी तरह की गई है। बात करते हैं उत्तराखंड यहाँ पर राजस्थान लोक सेवा आयोग में 2202 पदों की भर्ती, 4 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। BHEL में 263 पदों की भर्ती, और JIPMER में रोजगार के प्रोफेसर असिस्टेंट प्रोफेसर के नई पद निकाले गए हैं 80 पदों पर, 21 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने 613 पदों की प्रवक्ता शिक्षक भर्ती यहाँ पर निकाली है, और 7 नवंबर इसकी लास्ट डेट है, आवेदन कर सकते हैं 21 से लेकर 22 वर्ष के अभ्यर्थी। और एम्स मंगलगिरी में सामान्य 63 पदों पर, डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन में 48 पद निकाली है, अन्य पद 63 पदों पर।